हमारे सबसे मेजर प्रोजेक्ट्स में से इस वक्त हुकूमत पंजाब का, जिसमें हम पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनमें है। और हाकड़ा कनाल का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो अपनी कैपेसिटी, जो उसका ऑथराइज शेयर है, अपना हिस्सा नहीं दे सकती थी। और ये 3200 की कनाल जो है 2400-2500 ज़्यादा से ज़्यादा 2600 कनाल पे क्यूसिक्स पे जाया करती थी, जिसकी वजह से उसमें वाराबंदी करना पड़ती थी। उसकी भी जो रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है, उसको जाके मैंने और सेक्रेटरी साहब ने, हमने मौके पे जाके उसको चेक भी किया और माशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा है। तो जैसे ही ये रिहेबिलिटेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो हाकड़ा की अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि उसकी जो वाराबंदी वाला इशू है वो पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको अपना पानी पूरा मिल रहा होगा। बसरा साहब इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं और मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं इनको कई दफ़ा कहता हूँ कि यार तेन और कोई काम नहीं दुनिया का, इको काम के पीछे लगा हुआ है। बट ये बहुत ही एक परसिस्टेंस के साथ बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से इसके पीछे लगे रहते हैं और बार बार मेरे से रिपोर्ट पूछते रहते हैं कि कहाँ तक पहुँचा काम। लहारी से मैं एक बार फिर हाकड़ा के दोस्तों की जानिब से, ख़ासतौर पर हमारे जो तहसील अवनाबाद और तहसील छोटाबाज के हमारे किसान भाई हैं, वो 5R है, 4R है, 3R है, 1R है, 1L है, 2L है, हाकड़ा है, हाकड़ा राइट है, और 7R है, 6R है, 8R, 9R, मैं नाम से लिए हैं कि वो तमाम लोग यकीन माने छोरियाँ उठाकर आपको, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबको सदार सबको शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि आपने जो खुफिया विजिट मारा है, मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी और आपने किसी को नहीं बताया वो, और आप वहाँ विजिट पे गए, आपको सेक्रेटरी साहब मौके पर सारा देखा है। तो मैं जिसके सर आप कह रहे थे कि इंशाल्लाह, मैंने दोस्तों को ये बताया है कि ये काम जो है अल्लाह की फजल से जून से पहले पहले खत्म हो जाएगा और हमारी वाराबंदी की ये लंच है ये खत्म हो जाएगी। मैं फिर आपके तहसील अहमदाबाद और तहसील छोटाबाज के वहाँ थैंक यू।